हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग यदि वीडियो को लाइक करोगे तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियो ला पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है माइग्रेट डेड मैन, और ये मूवी माइग्रेट सीरीज का ही एक एपिसोड है। और हमेशा की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए थ्रिलर और मिस्ट्री से भरा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हमें गॉडविल पिकार्डी नाम की जगह दिखाई जाती है, और इस जगह पर एक फार्म में इंस्पेक्टर कोलंबानी दूसरे पुलिस वालों के साथ तफ्तीश करने आए हुए थे। तब इंस्पेक्टर कोलंबानी देखते है कि फार्म के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसे कुल्हाड़ी से मारा गया था। तब इंस्पेक्टर वहीं बने घर में दूसरे पुलिस वालों के साथ एंटर करते हैं, तो उन्हें घर के अंदर एक औरत की लाश दिखाई देती है, और इस औरत को मारते समय एक कुर्सी से बांध के रखा गया था। तभी इंस्पेक्टर कोलंबानी घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, तो वहां पर उन्हें दो लाशें और मिलती है। रूम की तलाशी लेते समय उन्हें किसी प्रकार की आवाज आती है। तब इंस्पेक्टर को लगता है शायद इस रूम में वो कातिल छुपा होगा, और इंस्पेक्टर उसी रूम में रखी अलमारी की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। इंस्पेक्टर उस अलमारी के पास जाते हैं और उसे ओपन करते हैं, तो उस अलमारी में एक बच्ची छिपकर बैठी हुई थी। वो बच्ची बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई थी, और उसे देखने से लग रहा था कि उसी की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को खत्म किया गया था। मूवी के अगले सीन में हमें पेरिस शहर को दिखाया जाता है, जहाँ की एक न्यूज़पेपर के इंस्टॉल पर कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए थे, और उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पिकार्डी फार्म के मर्डर केस की न्यूज छपी हुई थी, और ये इस प्रकार का तीसरा फार्म अटैक था। तभी वहां से हमें एक अल्बर्ट नाम का आदमी भागता हुआ दिखाई देता है, और अल्बर्ट का उस समय कोई आदमी पीछा कर रहा था, और भागते भागते अल्बर्ट पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है। तब अल्बर्ट देखता है पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, और वो आदमी भी अल्बर्ट को लगातार घूर रहा था। उस आदमी को देखकर अल्बर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं जाता, और अल्बर्ट फिर से वहां से भागने लगता है, और भागकर अल्बर्ट एक कैफे पर पहुंचता है। अल्बर्ट बार के फोन से एक नंबर डायल करता है, और ये नंबर पुलिस स्टेशन का था। दूसरी तरफ चीफ इंस्पेक्टर जूल्स माइग्रेट फोन अटेंड करते है, और अल्बर्ट माइग्रेट से कहता है, माइग्रेट आप मुझे नहीं जानते हो, पर आप मेरी वाइफ से एक बार मिले हो, मेरी वाइफ का नाम नीना है। तब माइग्रेट कहता है, आप कौन हो, आपका नाम क्या है? अल्बर्ट कहता है, मेरा नाम जानकर कुछ नहीं होगा, इस वक्त मेरी जान को खतरा है, क्योंकि कुछ लोग दोपहर 2:20 से लगातार मेरा पीछा कर रहे। मैं पुलिस स्टेशन भी आना चाहता था, पर वहां भी उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। तभी उस आदमी को लगता है कि वो गुंडे उसके पीछे बार में भी आ चुके हैं, इसलिए वो फोन छोड़कर वहां से चला जाता है, और माइग्रेट उससे पूरी तरह से बात नहीं कर पाता। तब माइग्रेट अपने असिस्टेंट इंस्पेक्टर जानवियर को उस बार में जाकर उस आदमी से बात करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फिर से उसी आदमी का फोन आता है। इस बार वो आदमी माइग्रेट से कहता है, मैं किसी तरह से उस बार से बच निकला, अभी मैं दूसरे बार में हूँ, आप मुझसे वहां पर आकर मिलो। तब माइग्रेट अपने असिस्टेंट इंस्पेक्टर के साथ बताए गए बार में पहुंचता है, पर वहां पर उन्हें वो आदमी नहीं मिलता जिसने माइग्रेट को कॉल किया था। तब माइग्रेट पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जानवियर से बात करता है। तब जानवियर कहता है, मैं आपके बताए हुए बार में गया था, पर वो आदमी मुझे वहां पर नहीं मिला, पर उस बार के बारटेंडर ने मुझे उस आदमी का थोड़ा सा हुलिया बताया है। उसने बताया कि वो आदमी छोटी हाइट का था, और उसने लाइट ब्राउन कोट पहना हुआ था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अल्बर्ट कहीं जा रहा होता है, और वो बदमाश आदमी फिर से उसका पीछा कर रहे होते हैं। तब अल्बर्ट एक जगह जाकर छिप जाता है, और बाद में वो पोस्ट ऑफिस चला जाता है। वहां से अल्बर्ट किसी जोसेफ नाम के आदमी को एक चिट्ठी पोस्ट करता है। उसके बाद अल्बर्ट वहां से जॉय नाम के आदमी को कॉल करता है, और अल्बर्ट जॉय को उससे आकर मिलने के लिए कहता है, और उसके बाद अल्बर्ट पोस्ट ऑफिस से भी निकल जाता है। मूवी में हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब रास्ते से एक गाड़ी सड़क से गुजर रही होती है, और थोड़ी दूरी पर जाकर वो गाड़ी रुकती है, और उस गाड़ी से एक लाश को फेंका जाता है, और वो गाड़ी वहां से चली जाती है। वहां पर खड़े हुए लोग ये सब देख रहे थे, और वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तब इंस्पेक्टर माइग्रेट पुलिस टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। तब ले पॉइंट माइग्रेट के पास आई विटनेस को लाता है, जिसने उस आदमी की लाश को सड़क पर फेंकते हुए देखा था। तब वो आदमी माइग्रेट को बताता है वो क्रीम एंड ब्लू कलर की सिट्रियन ब्रांड की कार थी।
और उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट दो डिजिट 7 और 5 थे। माइग्रेट उस आदमी की लाश को देखकर काफी दुखी होता है और तब वहां खड़ा जानवियर कहता है, इस आदमी का हुलिया पूरी तरह से बिगाड़ा गया है। ऐसा काम अक्सर अंडरवर्ल्ड के लोग ही करते हैं ताकि कोई भी बॉडी की पहचान ना कर सके। तभी वहाँ हॉस्पिटल की गाड़ी आ जाती है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए। माइग्रेट बॉडी के साथ पोस्टमार्टम रूम में जाता है और अपनी आंखों के सामने पोस्टमार्टम होता हुआ देख रहा था। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर माइग्रेट को बताते हैं, देखने से हमें नहीं लगता कि यह आदमी अंडरवर्ल्ड में काम करता था, क्योंकि इसके हाथ और पैर हमें ये बताते हैं कि यह आदमी किसी बार जैसी जगह पर काम करता होगा। ये कोई ऐसा काम करता होगा जिसमें काफी लंबे समय तक खड़ा रहना होता होगा। इसके चेहरे पर जो चोट के निशान है वो इसके मरने के बाद किए गए हैं। अगले दिन माइग्रेट अपनी टीम से कहता है, हमें किसी भी हाल में ब्लू एंड क्रीम सिट्रियन कार को ढूंढना होगा। माइग्रेट अल्बर्ट की लाश का फोटोग्राफ भी लाता है और वो उसे अपनी टीम में बांट देता है ताकि माइग्रेट की टीम अल्बर्ट के बारे में पता कर सके। तभी वहाँ बेटा ऑफिसर लेपॉइंट कहता है, उसने पहले हमें बार से फोन किया था और हमारा मानना है कि उसने उसके बाद कोई फोन पोस्ट ऑफिस से भी किया था। तब माइग्रेट कहता है, तो आखिरी बार ये आदमी पोस्ट ऑफिस में देखा गया था और इसके 4 घंटे बाद इसकी मौत हुई, इसलिए पता लगाओ कि पोस्ट ऑफिस से निकलने के बाद ये आदमी कहाँ पर गया था। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रूम में माइग्रेट अल्बर्ट के कपड़े मैनिक्विन पर टांगता है और वह बड़ी गौर से अल्बर्ट के कपड़ों को देख रहा होता है। तब माइग्रेट कहता है, क्या हो जानवियर अगर ये आदमी पोस्ट ऑफिस से अपने घर पर गया हो? अगर मैं अपने घर पर जाता तो सबसे पहले अपना सूट चेंज करता। जानवियर कहता है, तुम्हें लगता है ये तुम्हें कॉल करने के बाद अपने घर पर गया होगा? माइग्रेट कहता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस आदमी का कोट और इसका ट्राउजर दोनों मैच नहीं हो रहे। उसके बाद माइग्रेट उस कोट में बने छेदों को देखता है जो कि चाकू से गोदने की वजह से बने थे। तब माइग्रेट उन छेदों को देखकर चाकू मांगता है और वो जानवियर को वो चाकू देकर उसे कोट में बने चाकू के निशान में डालने के लिए कहता है। जानवियर कोट के अंदर बने चाकू के छेद के अंदर चाकू डालता है तो कोट के अंदर पहने जाने वाले ब्लेजर के छेद से वो छेद अलाइन नहीं हो रहा था। उसे देखकर माइग्रेट कहता है, जब इस आदमी पर चाकू से वार किया गया होगा तब उसने अपना रेनकोट नहीं पहना होगा, तब ये किसी बंद जगह पर होगा और हमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि ये बाहर मारा गया है। आगे माइग्रेट उस बार में जाता है जिस बार से पहली बार माइग्रेट को उस आदमी ने कॉल किया था। माइग्रेट उस फोन को देखता है जिससे उस आदमी ने कॉल किया था। तब माइग्रेट जानवियर से कहता है, उस आदमी ने मुझसे कहा था कि उसका कोई पीछा 2:20 से कर रहा है। तब जानवियर कहता है, ये 2:20 ये क्या है? तब माइग्रेट कहता है, हो सकता है ये किसी ट्रेन का टाइम हो या फिर किसी घोड़े की रेस का टाइम हो। पता करो 2:20 पर कौन कौन सी ट्रेन का टाइम होता है और रेस कोर्स पर भी जाकर पता करो क्या इस टाइम पर कोई रेस होती है। आगे माइग्रेट अपनी टीम के साथ रेस कोर्स पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचता है। तब इंस्पेक्टर लेपॉइंट अल्बर्ट का फोटो रेस कोर्स पर काम करने वाले आदमी को दिखाता है और वो आदमी अल्बर्ट के फोटो को देखकर उसे पहचान जाता है। तब रेस कोर्स पर काम करने वाला आदमी कहता है, शायद ये आदमी अक्सर यहाँ पर आया करता था। आगे माइग्रेट रेस कोर्स पर सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तब वो देखता है कि एक आदमी के पॉकेट से टिकट गिर जाती है और तभी एक बच्चा आकर उस टिकट को उठाकर अपने पिता को दे देता है और उस टिकट से वो लोग पैसे जीत जाते हैं। माइग्रेट इस घटना को बहुत गौर से देख रहा था। आगे माइग्रेट का सीनियर कमिलियो उस आदमी के मर्डर के बारे में माइग्रेट से पूछता है। तब माइग्रेट कहता है, हम लोग उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। तब कमिलियो कहता है, अगर उस आदमी की वाइफ ने भी उस आदमी की मिसिंग कंप्लेंट नहीं की है तो हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम इस केस को बंद कर दो और फॉर्म मर्डर केस पर अपनी पूरी टीम लगा दो। हमें रिक्वेस्ट आई है पिकार्डी से फार्म हाउस मर्डर केसेस के बारे में और मैं चाहता हूँ तुम इंस्पेक्टर कोलंबानी की इस केस में मदद करो। तब माइग्रेट कहता है, लेकिन मैं उस केस के साथ साथ इस केस पर भी काम करना चाहता हूँ। तब कमिलियो माइग्रेट को ऐसा करने से मना करता है और वो वहां से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर कोलंबानी पिकार्डी फार्म से कुछ सबूत लाए होते हैं फोरेंसिक जांच के लिए। तभी वहां पर माइग्रेट आता है और वो इंस्पेक्टर कोलंबानी से मिलकर कहता है, इंस्पेक्टर कोलंबानी, मेरा पूरा डिपार्टमेंट आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा, पर मेरे दो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जानवियर और लेपॉइंट को आप थोड़ा फ्री रखें क्योंकि वो मेरे साथ किसी दूसरे केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे। कोलंबानी माइग्रेट की इस बात को मान जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जानवियर और लेपॉइंट अपने लीड्स के बारे में बातें कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि अल्बर्ट ने अपने मर्डर वाले दिन 2:20 पर हॉर्स रेस में बेट लगाई थी और जानवियर को यह पता चलता है कि उस रात 8 बजे ब्लू एंड क्रीम सिट्रियन कार एक जगह खराब हो गई थी।
उन्हें यह जानकारी वहां से गुजर रहे एक लड़के ने दी थी। उसी दौरान वहां पर कमीलू पहुंच जाता है। तब कमीलू को पता चलता है कि माइग्रेट ऑफिस नहीं आया है। तब कमीलू माइग्रेट को कॉल करके उसके ना आने का कारण पूछता है। तब माइग्रेट कहता है, मुझे थोड़ी सर्दी हुई है इसलिए मैं आज नहीं आया। तब कमीली कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस डेड बॉडी वाले केस पर काम मत करो। तब माइग्रेट कहता है, मैं उस केस पर काम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उस केस के बारे में सोच रहा हूँ। तब कमीली फोन रख देता है और माइग्रेट की वाइफ माइग्रेट से पूछती है, तो तुम उस आदमी के डेड बॉडी के बारे में क्या सोच रहे थे? तब माइग्रेट कहता है, मैं ये सोच रहा था कि उसने बार में ऐसी ड्रिंक ऑर्डर क्यों की जिससे नशा ही न चढ़े। लोग अक्सर ऐसी ड्रिंक करने बार में नहीं जाया करते हैं। और उस आदमी की शर्ट भी पूरी वाइट थी और देखने से उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई कैफे ऑनर या बार में काम करता हो। पहले उस आदमी ने दो बार मुझे कॉल किया, लेकिन तीसरी बार उस आदमी ने पोस्ट ऑफिस से किसी और को कॉल किया और उसके बाद वो अपने घर पर चला गया, शायद खाना खाने गया हो। तब माइग्रेट की वाइफ कहती है, अगर वो आदमी तीसरी बार कॉल करके अपने घर पर गया होगा खाना खाने, तो जरूर वो उस दूसरे आदमी का वेट कर रहा होगा जिसे उसने कॉल किया था। वो सोच रहा होगा वो आदमी आएगा और किलर से उसे बचा लेगा, लेकिन किलर उसके पास पहले पहुंच गए। ये कहकर माइग्रेट को कुछ क्लिक करता है और माइग्रेट जॉनवियर को कॉल करके कहता है, उस कार के बारे में प्रेस में इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दो जिस कार से बॉडी को फेंका गया था। जिसने भी उस रात उस गाड़ी को कहीं पर देखा होगा वो हमें इन्फॉर्मेशन दे। अगले दिन माइग्रेट से मिलने एक बूढ़ी लेडी पुलिस स्टेशन आती है। वो बूढ़ी लेडी जानवियर को बताती है, मैंने उस ब्लू एंड क्रीम कार को जिसके बारे में पेपर में छापा गया है, उस कार को पेटिट अल्बर्ट नाम के एक रेस्टोरेंट के पास खड़ा हुआ देखा था और मैंने ये उसी दिन देखा था जिस रात मर्डर हुआ था। उस गाड़ी का लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर भी 75 था और मैंने उस गाड़ी को रात 9 बजे देखा था। माइग्रेट की टीम को ये एक बहुत बड़ा क्लू मिल चुका था। अगले दिन माइग्रेट जानवियर और लेपॉइंट पेटिट अल्बर्ट नाम के रेस्टोरेंट में पहुंचते है और वो तीनों उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, उस रेस्टोरेंट की तलाशी लेने लगते हैं। तो माइग्रेट को उस रेस्टोरेंट में बिछे कारपेट के नीचे खून के धब्बे मिलते हैं और वहां पर एक खाने की प्लेट भी दिखाई देती है। माइग्रेट और उसकी टीम को लगता है शायद अल्बर्ट ने आखिरी बार इसी में खाना खाया होगा। वहां पर एक बॉक्स भी था जिसमें पैसे रखे हुए थे। माइग्रेट को वहां पर अल्बर्ट और उसकी वाइफ नीना की फोटो दिखती है और माइग्रेट अल्बर्ट की वाइफ नीना की फोटो को देखकर कहता है, मैं इस लेडी को नहीं जानता। वहां पर कुछ बच्चों के कपड़े भी रखे हुए थे। उन्हें देखकर माइग्रेट कहता है, क्या इनके बच्चे भी थे? क्योंकि ये कपड़े देखने से ऐसे लग रहे हैं जैसे इन्हें कभी यूज नहीं किया। हो सकता है शायद ये लोग बच्चा पैदा होने का वेट कर रहे हो। माइग्रेट डिसाइड करता है कि वो रात में भी उसी रेस्टोरेंट में रहेगा और वो ये बात अपनी वाइफ को भी बताता है। और माइग्रेट अपनी वाइफ को कल सुबह उस रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है ताकि वो लोग उस रेस्टोरेंट को कुछ दिन तक चला सके, ताकि जिसने भी अल्बर्ट का मर्डर किया था वो आदमी रेस्टोरेंट को ओपन देखकर डर जाएगा और शायद वो कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे वो पकड़ा जाए। और असल में होता भी ऐसा ही है। उस रेस्टोरेंट को खुला देखकर एक आदमी चौंक जाता है, जिस आदमी का नाम जिन है, और वो उस रेस्टोरेंट को खुला देखकर गुस्से में कहीं जाने लगता है। जिन गुस्से में एक होटल में पहुंचता है और होटल का मालिक जिन को देखकर काफी डर जाता है। तब वो होटल का मालिक भी दबे पांव रूम के पास वाली दीवार के पास जाता है और होटल का मालिक वहां बने छेद से होटल के रूम के अंदर देखने लगता है। वो होटल का मालिक देखता है कि जिन अभी अभी कमरे के अंदर आया है और उस रूम में एक लेडी और दो आदमी पहले से ही मौजूद थे। जिन अंदर आकर उन तीनों से पूछता है, तुमने तो कहा था उस रेस्टोरेंट का मालिक मारा गया है, तो अभी उस रेस्टोरेंट को कौन चला रहा है? मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और वो रेस्टोरेंट ओपन था। वहीं पर मौजूद पीटर नाम का आदमी जिन से कहता है, क्या तुम कोई ड्रग्स ले रहे हो? तब जिन पीटर पर बरस जाता है और उसे जमीन पर पटक कर मारने लगता है। और जिन कहता है, तुमने तो कहा था तुमने उस छोटे आदमी को मार दिया था, तुम कल फिर से उस रेस्टोरेंट में जाओगे और उस आदमी की वाइफ या जो कोई भी उस रेस्टोरेंट को चला रहा है उन सबको मार दोगे। तब रूम में ही मौजूद लेडी जिन को अपने पास बुलाती है और वो जिन को किस करने लगती है और फिर वो जिन से ड्रग्स की मांग करने लगती है। तब जिन उस लेडी को ड्रग्स निकाल कर देता है और उसे किस करता है। जिन वापस उस रूम से बाहर निकलने लगता है तब वो होटल ऑनर वापस रिसेप्शन पर जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ पढ़ने का नाटक करने लगता है। इसके बाद जिन एक डांस बार में जाता है। जिन वहां पर डांस करने वाली एक लड़की फ्रांसिन से मिलने आया होता है जो कि स्टेज पर डांस कर रही होती है। परफॉर्मेंस के बाद जिन फ्रांसिन को अपने साथ कहीं ले जाता है और जिन फ्रांसिन को कार में एक महंगा नेकलेस गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ माइग्रेट और उसकी वाइफ अल्बर्ट अगले दिन से उस रेस्टोरेंट को चलाने लगते हैं और जानवियर और लेपॉइंट उस रेस्टोरेंट में कस्टमर बनकर आते हैं।
तब माइग्रेट उन दोनों से ऑर्डर लेने आता है और लेपॉइंट माइग्रेट को अल्बर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेपॉइंट कहता है अल्बर्ट 18 महीने पहले इस होटल में वेटर का काम किया करता था, उसके बाद उसने काम छोड़कर नीना से शादी कर ली थी और वो दोनों मिलकर ये रेस्टोरेंट चलाने लगे थे। नीना की लोकेशन के बारे में हमें अभी तक भी कुछ पता नहीं चला है। तब माइग्रेट अपने इंस्पेक्टर से कहता है तुम न्यूज़पेपर में एक कॉलम प्रिंट करवाओ, यह कॉलम अल्बर्ट के उस दोस्त के बारे में होना चाहिए जिसे उसने लॉस्ट कॉल किया था। उसमें लिखना कि अल्बर्ट का दोस्त माइग्रेट से आकर मिले, माइग्रेट उसे प्रोटेक्शन देगा। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्टर चाकू लेकर अल्बर्ट के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ था। पीटर को दिया हुआ काम विक्टर करने आया होता है। माइग्रेट खिड़की से विक्टर को उस रेस्टोरेंट के अंदर झांकते हुए देख लेता है और उस वक्त रेस्टोरेंट में जानवीर और ले पॉइंट भी होते हैं। तब माइग्रेट उन दोनों को चौकन्ना होने का इशारा करता है। विक्टर रेस्टोरेंट में आता है और वो काउंटर पर आकर माइग्रेट की वाइफ से ड्रिंक ऑर्डर करता है। ले पॉइंट काउंटर पर ही बैठा हुआ था और विक्टर ले पॉइंट के कोट के अंदर रखी हुई गन को देख लेता है और विक्टर समझ जाता है कि यह आदमी पुलिस वाला है, इसलिए विक्टर वहां से बाहर चला जाता है। माइग्रेट जानवियर को भी उस आदमी का पीछा करने के लिए कहता है। जानवियर अब विक्टर को फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ माइग्रेट और ले पॉइंट गाड़ी से विक्टर का पीछा कर रहे होते हैं। दौड़ता हुआ विक्टर अपने होटल रूम की तरफ जा रहा था, तभी वहां से जिन बाहर निकलता है और वो विक्टर पर गोली चला देता है और विक्टर वहीं मारा जाता है। जानवियर को विक्टर के पास आने में थोड़ी देर लगती है, तब तक जिन वहां से भाग चुका था। तब जानवियर उस आदमी की तलाशी लेने लगता है और लोग उसे रोकने लगते है। तब वहां पर माइग्रेट और ले पॉइंट भी पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मीटिंग चल रही थी और जानवियर बताता है विक्टर एक इनलीगल इमिग्रेंट था, वो फर्जी आईडी बनाकर इस देश में रहा करता था। हमने उस एरिया को भी मार किया है जहां पर विक्टर को गोली मारी गई थी। हम उसी एरिया में एक बड़ी टीम लेकर तलाशी करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि विक्टर को गोली किसने मारी। आगे माइग्रेट जानवियर और ले पॉइंट एक बड़ी पुलिस की टीम लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं और उस एरिया के घर की तलाशी लेने लगते हैं जहां पर विक्टर को गोली मारी गई थी। पुलिस वाले वहां बने हर एक रूम में जाकर हर एक व्यक्ति को विक्टर की फोटो दिखा रहे थे और वो उनके कमरों की तलाशी भी ले रहे थे। वहां पर ज्यादातर रहने वाले लोग इनलीगल इमिग्रेंट्स थे। पीटर को समझ आ जाता है कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है, तो पीटर अपना सारा सामान और ड्रग्स उठाकर वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। तब उनके साथ रहने वाली लेडी उनकी गर्लफ्रेंड बिस्तर में दर्द में पड़ी होती है और वो वहां से कहीं भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तब पीटर उस पर किस करता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। ये देखकर पीटर वहां से भाग जाता है। जानवियर को पीटर की गर्लफ्रेंड मिल जाती है और वो उसे माइग्रेट के पास लेकर आता है। माइग्रेट समझ जाता है कि इस औरत को लेबर पेन है और इसे बच्चा होने वाला है, तो वो तुरंत एम्बुलेंस बुलवाता है। उसके बाद माइग्रेट उस होटल ऑनर को बुलाता है जिनकी होटल में वो रुके थे। तब होटल ऑनर उस औरत का नाम मारिया बताता है। होटल ऑनर पहले झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था कि मारिया यहाँ पर अकेली रहती है, पर जब माइग्रेट दिखाता है कि उस रूम में बहुत सारे मर्दों के ओवरकोट पड़े हुए थे, वो देखकर होटल ऑनर सच बोल देता है। वो बताता है कि विक्टर यहीं पर रहता था और उसके साथ पीटर भी रहता था, वो दोनों मारिया के साथ सोया करते थे। मारिया को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और माइग्रेट उस होटल में जाकर उस होटल की तलाशी लेता है, तो माइग्रेट को वो होल दिख जाता है जिससे उस होटल रूम के अंदर झांका जा सकता था। तब माइग्रेट समझ जाता है कि होटल ऑनर उनसे झूठ बोल रहा है। तब माइग्रेट वापस होटल ऑनर के पास जाता है और उसका रजिस्टर चेक करता है। उसमें माइग्रेट को पीटर का नाम दिखाई देता है। तब माइग्रेट पूछता है क्या पीटर ने विक्टर को गोली मारी थी। होटल ऑनर कहता है पीटर ने उसकी कॉल का जवाब दिया था, विक्टर को गोली किसी और आदमी ने मारी थी। तब होटल ऑनर माइग्रेट को जिनके बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि जिन यहाँ पर इन लोगों से मिलने आया करता था वो हमेशा अच्छे कपड़े और फर कोट पहना करता था, कि जब जब जिन आया करता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि ये सभी मिलकर रात में कहीं बाहर जाते थे और अगले दिन जब वो वापस आया करते थे तो उनके पास खूब सारे पैसे और ज्वेलरी हुआ करती थी। तब माइग्रेट पूछता है वो किन किन डेट को बाहर गए हुए थे और अगले दिन ज्वेलरी और पैसा लेकर वापस आए थे। तब होटल ऑनर रजिस्टर चेक करता है और माइग्रेट को बताता है वो लोग 8 अक्टूबर को, 11 सितंबर को और 12 अगस्त को बाहर गए थे। ये तीनों डेट्स वही होती है जो फ्रांस के हर न्यूज़पेपर में छपी थी, क्योंकि इन तीनों डेट्स पर पिकार्डी मर्डर केस हुए थे। तब माइग्रेट उस होटल ऑनर से कहता है क्या तुम्हें पता है ये तीनों डेट्स किस ओर इशारा कर रही है। तब होटल का मालिक फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि वो जानता था कि ये लोग शायद पिकार्डी मर्डर केस में इन्वॉल्व थे।
माइग्रेट ने पिकार्डी मर्डर केस को क्रैक कर दिया होता है और तब इंस्पेक्टर कोलंबानी भी होटल में आते हैं और वो रूम की छानबीन करने लगते हैं। तब कोलंबानी पूछता है तो उन्होंने इस रेस्टोरेंट के ऑनर अल्बर्ट को क्यों मारा, क्या वो उन्हीं के साथ काम करता था। माइग्रेट कहता है मुझे नहीं लगता वो उनके साथ काम करता था, पर हम उसकी डेथ के बारे में भी जल्द ही पता लगा लेंगे। पर हमें न्यूज़पेपर पढ़कर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाती है। 8 अक्टूबर की रात इन सभी ने पेरिस से गोडरविल ट्रेवल किया था। इनमें से 3 लोग इनकी वैन में गए थे और चौथा वो फर कोट वाला आदमी एक ट्रेन में गया था जो ट्रेन काफी स्लो चलती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते है कि जिन टैक्सी में अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाता है और तब उसे पीटर भी वहीं खड़ा होकर देख रहा था। तब पीटर जिन के पास जाता है और जिन पीटर को एक तरफ ले जाता है। तब पीटर जिन से कहता है मारिया को पुलिस ने पकड़ लिया है, अब जल्द ही हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तब जिन पीटर को समझाता है कि मारिया अब हमारे लिए खतरा बन चुकी है और यदि तुम्हें तुम्हारे लिए ओल्ड लेडी चाहिए तो मैं तुम्हें एक ओल्ड लेडी दिला दूंगा और अगर तुम्हें ये कार में बैठी लेडी चाहिए तो ये भी मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। जिन अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा करके पीटर को कहता है और पीटर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। तब जिन पीटर को अपनी गन देता है और कहता है तुम जाकर मारिया को मार दो इससे पहले कि वो हमारे बारे में पुलिस को सब कुछ बता दे। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पिकार्डी फार्म मर्डर केस में जो इकलौती विटनेस बच्ची बची थी और माइग्रेट उस बच्ची से प्यार से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और माइग्रेट उस बच्ची को मारिया का फोटो भी दिखाता है। दूसरी तरफ मारिया हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद माइग्रेट और कोलंबानी मारिया से पूछताछ करने आते हैं और माइग्रेट मारिया से पूछता है 8 अक्टूबर को पिकार्डी मर्डर केस वाले दिन तुम कहां पर थी। माइग्रेट मारिया से और कई सारे सवाल पूछता है पर मारिया माइग्रेट के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। तब माइग्रेट कहता है 8 अक्टूबर वाले दिन उस घर में एक आई विटनेस बच गई थी जो एक बच्ची थी और उस बच्ची ने वहां पर हुए सारे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख लिया था। उस बच्ची ने हमें बताया कि कैसे तुमने उसकी माँ को टॉर्चर किया था और जब तुम्हें उसकी माँ से तिजोरी की चाबी मिल गई थी तो तुमने उसकी माँ का गला काट के उन्हें मार दिया। उस बच्ची ने उस महिला की पहचान कर ली है जिसने उसकी माँ को टॉर्चर किया था। अब तुम हमें बताओ कि पीटर कहाँ पर है और तुम्हारे साथ काम करने वाला वो चौथा आदमी कहाँ पर है जो कि फर कोट पहनता है। तब मारिया माइग्रेट के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। तब माइग्रेट मारिया को वापस से जेल में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। मूवी के अगले सीन में मारिया को पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था। तब वहां पर पीटर भी घात लगाए बैठा हुआ था और मारिया के बाहर आते ही पीटर उसकी तरफ गन लेकर बढ़ता है और पीटर मारिया की तरफ गोली चलाता है। तभी जानवियर भी अपनी गन निकालकर पीटर को गोली मार देता है और पीटर की मौके पर ही मौत हो जाती है, पर इस घटनाक्रम में मारिया जिंदा बच जाती है। मूवी के अगले सीन में माइग्रेट अपने घर पर पहुंचता है तो माइग्रेट की बीबी माइग्रेट को बताती है कि उसका कोई घर पर इंतजार कर रहा है। माइग्रेट उस आदमी से मिलता है तो वो आदमी माइग्रेट को न्यूज़पेपर में छपी सूचना पढ़कर सुनाता है। जो सूचना माइग्रेट के द्वारा ही छपवाई गई थी कि अल्बर्ट का दोस्त जो कोई भी हो वो माइग्रेट से आकर मिले, माइग्रेट उसे हर तरह से प्रोटेक्शन देंगे। तब वो आदमी बताता है मैं ही अल्बर्ट का दोस्त हूँ, मैं उसे जानता था, मैं अक्सर अल्बर्ट के वहाँ खाना खाया करता था और इसलिए हमारी जान पहचान हुई थी। अल्बर्ट के मर्डर वाले दिन अल्बर्ट ने मुझे फोन किया था, वह जान चुका था कि पिकार्डी मर्डर केस में कौन कौन लोग शामिल थे और इस बारे में बात करने के लिए उसने मुझे अपने रेस्टोरेंट में बुलाया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो अल्बर्ट मारा जा चुका था। क्योंकि मैं इस वक्त पेरोल पर हूँ मेरे खिलाफ कुछ केस है और पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी लेडी ने भी मुझे मेरी कार के साथ देख लिया था, इसलिए मैं खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था क्योंकि पुलिस इस मर्डर केस में सबसे पहले मुझे ही अपराधी मानती, इसलिए मैंने अल्बर्ट की बॉडी पर और उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान बनाए ताकि देखने से उसकी बॉडी ऐसी लगे कि उसे अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मारा है और फिर मैंने अपनी गाड़ी से अल्बर्ट की बॉडी सड़क पर फेंक दी ताकि सबको लगे कि ये मर्डर अंडरवर्ल्ड के लोगों द्वारा किया गया है और इस मर्डर की ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। तब माइग्रेट उस आदमी से नीना के बारे में पूछता है। तब वो आदमी कहता है नीना जिंदा है और वो पूरी तरह से सेफ है और वो आदमी माइग्रेट को एक एनवलप देता है और वो आदमी कहता है उस दिन के बाद मेरे पास एक एनवलप आया था और ये एनवलप मुझे अल्बर्ट ने भेजा था। अल्बर्ट उस एनवलप को ओपन करता है तो उसके अंदर एक ट्रेन की टिकट थी और उस टिकट को देखकर माइग्रेट हैरान रह जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन पेरिस छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था वो एक जगह पर जाता है जहां पर उन्होंने अपनी वैन छिपाकर रखी थी और वो उस वैन में से चोरी का सामान बाहर निकालता है। फ्रांसिन को भी जिन ने अपने साथ चलने के लिए बोल दिया था
और फ्रांसिन भी अपने काम करने वाली जगह पर अपने साथ काम करने वाली लेडी से कहती है कि वो जिन के साथ हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही है। दूसरी तरफ माइग्रेट लॉकअप में जाता है और वो उस होटल ऑनर से मिलता है और माइग्रेट उस होटल ऑनर से सवाल जवाब करते हुए पूछता है वो फर कोट वाला आदमी अपने साथियों को लेकर रेस ट्रैक पर कब कब जाता था। तब वो होटल ऑनर कहता है वो हर चोरी के बाद जाया करते थे ज्वेलरी और चोरी का सामान लेकर, वो वहां पर अपना सामान बेचने जाया करते थे। तब माइग्रेट उस होटल ऑनर को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि रेस कोर्स पर वो उस फर कोट वाले आदमी की पहचान कर सके, क्योंकि माइग्रेट को अंदाजा लग चुका था कि वो फर कोट वाला आदमी जल्दी शहर को छोड़ के जाने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो चोरी का सामान बेचने वापस रेस कोर्स जरूर जाएगा। माइग्रेट पुलिस टीम को लेकर रेस कोर्स पहुंच जाता है और माइग्रेट अपने आदमियों से कहता है हमें एक फर कोट वाले आदमी को ढूंढना है। घोड़ों की रेस खत्म होती है और सभी लोग वापस वहां से जाने लगते हैं। आगे होटल ऑनर वहां पर जिनको देख लेता है और वो इशारा कर माइग्रेट और उसकी टीम को बता देता है। रेस कोर्स में जिन फ्रांसिन को जीत के पैसे लेने के लिए भेजता है और खुद चोरी के सामान की डील करने चला जाता है। फ्रांसिन जीत के पैसे लेने के लिए लाइन में खड़ी थी तभी उसके पास ले पॉइंट आता है और ले पॉइंट उसे अपने साथ ले जाता है। जिन चोरी के सामान की डील करके घोड़े के अस्तबल से बाहर आता है तभी वो देखता है कि उसके सामने से माइग्रेट उसी की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर जिन वहां से भागने की कोशिश करता है तभी कोलंबानी जिन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिन माइग्रेट के ऑफिस में वेट कर रही होती है और माइग्रेट अपने ऑफिस के बाहर एक औरत और तीन बच्चों से मिल रहा होता है। उसके बाद माइग्रेट फ्रांसिन से मिलता है और वो उसे बताता है जो औरत और जो बच्चे तुमने अभी अभी बाहर खड़े हुए देखे थे वो औरत जिन की पत्नी है और वो तीनों उसके बच्चे हैं। 6 महीने पहले जिन एक शॉप में फोर मैन का काम किया करता था और यही जिन पिकाड़ी के फार्म हाउस पर अपने आदमियों के साथ मिलकर मर्डर किया करता था और वहां पर मौजूद पैसा और ज्वेलरी लूटता था। पहले फ्रांसिन माइग्रेट की बात पर विश्वास नहीं करती। तब माइग्रेट फ्रांसिन को जिन की फाइल दिखाता है, उसमें क्राइम सीन के फोटो थे और जो ज्वेलरी जिन ने चुराई थी उनकी फोटोज थी। तब फ्रांसिन फाइल में मरे हुए लोगों की फोटो को देखकर और उनकी पहनी ज्वेलरी को देखकर अपनी ज्वेलरी उतार देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सारे गिफ्ट जिन ने उसे चुरा कर ही दिए थे। आगे माइग्रेट जिन से पूछताछ करने जाता है और वो जिन से कहता है मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था आखिर तुम्हारा ट्रेन का टिकट उसके पास कैसे आया। तब मुझे एक बात समझ में आई कि अल्बर्ट एक कंपल्सिव गैम्बलर था। वो हमेशा रेस कोर्स पर जाकर फर्श पर गिरे हुए टिकट्स को उठाया करता था कि क्या पता उसके पास एक्सीडेंटली कोई जीत वाले टिकट आ जाए और उस दिन जब तुम रेस कोर्स पर गए होंगे अपना चोरी का सामान बेचने तब तुम्हारी जेब से गलती से वो ट्रेन की टिकट गिर गई थी जिस टिकट के जरिए तुमने पेरिस से गोडरविल तक की यात्रा की थी और वो टिकट अल्बर्ट ने उस दिन उठा ली थी। उस दिन के पेपर में न्यूज छपी थी कि जिसने भी गोडरविल में फार्म हाउस में मर्डर किए हैं उन्होंने पेरिस से गोडरविल तक की ट्रेन यात्रा की होगी। जब अल्बर्ट को वो ट्रेन का टिकट मिला जो तुम्हारे पास से गिरा था और अल्बर्ट समझ गया था कि इस टिकट को कैरी करने वाला आदमी किलर हो सकता है। तब जिन कहता है उस आदमी ने उस दिन मेरी जेब से गिरा ट्रेन का टिकट उठाया था और वो आदमी मुझे घूरने लगा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उस आदमी को मरवा दूंगा। वो एक मामूली आदमी था जो हमारे हाथों मारा गया। तब माइग्रेट कहता है उस मामूली इंसान की जिंदगी तुमसे कहीं बेहतर थी क्योंकि तुमसे सभी लोग नफरत करते हैं और तुम अब जेल में पड़े पड़े अपनी मौत की सजा का इंतजार करोगे। यह सुनकर जिन का चेहरा उतर जाता है और माइग्रेट वहां से चला जाता है। आगे माइग्रेट अपनी वाइफ के साथ अल्बर्ट के रेस्टोरेंट में पहुंचता है जो रेस्टोरेंट अब अल्बर्ट की वाइफ नीना चला रही होती है। तब नीना कहती है अल्बर्ट बहुत ही अच्छा इंसान था हम जल्दी फैमिली शुरू करने वाले थे। तब माइग्रेट थोड़ी सोच में पड़ जाता है और वो नीना से कहता है एक बच्चा है जो अभी अनाथ होने वाला है क्योंकि उसकी माँ को जेल में भेजा जाएगा अगर तुम चाहो तो उस बच्चे को गोद ले सकती हो। इस बात के लिए नीना राजी हो जाती है और वो कहती है उस बच्चे के माँ बाप ने जो भी किया है उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तब माइग्रेट नीना से वादा करता है कि वो जल्द ही उसे वो बच्चा दिलाने में मदद करेगा। माइग्रेट नीना से पूछता है जब अल्बर्ट ने मुझे कॉल किया था तो उसने बताया था कि तुम मुझे जानती हो पर मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम मुझसे कब मिली थी। नीना कहती है मैं आपसे सचमुच में मिली थी 10 साल पहले जब मैं एक होटल में काम किया करती थी तब आप अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां मनाने वहां पर आए थे तब मैंने आपके रूम में रूम सर्विस की थी और ये बात मैंने अपने पति अल्बर्ट को भी बताई थी।
तब माइग्रेट और माइग्रेट की वाइफ नीना को अलविदा कहके वहां से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।